नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आज शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद इलाके में प्रदर्शनकारियों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ी और उसके बाद लोगों ने जमकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी यहां से जंतर मंतर और मंडी हाउस होते हुए लगातार अलग अलग हिस्सों में अपना प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जामिया और शाहीन बाग इलाके में भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और इसका कर रहे हैं लगातार विरोध। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के लिए उत्सव बन गया है। चेहरे पर सीएए की चित्रकारी हो रही है। चित्र प्रदर्शनी की तरह यहां भी तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों पर तरह तरह के संदेश लिखे गए हैं। एक पोस्टर में लिखा है कि एनआरसी धोखा है, धक्का मारो मौका है। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज एक बार फिर दिल्ली के मंडी हाउस पर लोगों का जमावड़ा हुआ। इसमें छात्र छात्राएं थे तो एक्टिविस्ट भी। नारे लिखी तख्तियां हाथों में थी तो क्रांति की कविताएं जमीन पर बिछी थी। मंडी हाउस से प्रदर्शनकारियों का कारवां गाते बजाते नारे लगाते जंतर मंतर के लिए निकल पड़ा। सामने लोगों से बात नहीं करती। The only face जो लोग देख रहे हैं सरकार का वो पुलिस का है। कि ये हमारी देश है, किसी का सर्टिफिकेट होने का जरूरी नहीं है और इस देश में सबका नागरिकता है और नागरिक का दाव और हमारी देश की संविधान बचाने के बाद। लेकिन 70 साल पहले मेरे अब्बा वो आदमी थे जो इस्लामिक राष्ट्र को छोड़कर सेकुलर कंट्री भारत में रहना चूज किया था, तो जो हमने चूज किया था उसके लिए हम लड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों के इस काफिले में आइसा के कार्यकर्ता शामिल थे। वो अपने ही अंदाज में गाते और डपली बजाते आगे बढ़ रहे थे। पहले सरकार से रिजाइन करिए, रिजाइन कर दीजिए, हम मान लेंगे हम नागरिक नहीं है। नागरिकता जब हमारी डिफाइन हो जाए तो दोबारा इलेक्शन कराइए। सवाल जो भी खड़े होते हैं इसको लेकर के, और आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे पीसफुल तरीके से ज्योति अब जंतर मंतर की तरफ जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि काफी पुलिस बल भी जो है वो यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर डिप्लॉय किया गया है। इस बार इस विरोध रैली में ये नई बात हुई कि इसमें बड़ी तादाद में ट्रांसजेंडर भी शामिल हुए। ये जो एक्ट है ये ट्रांस लोगों के, क्वेर लोगों के खिलाफ है, क्योंकि हम जो ट्रांस लोग होते हैं, हम बहुत सारे लोग घर छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि घर में बहुत सारा वायलेंस होता है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को लेके हमारे पास डिस्फोरिया भी है क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो जेंडर जो लिखा हुआ है हमको उसको भी बदलना है, तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिस वजह से हम अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। मंडी हाउस से चला ये काफिला शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा, जहां पर प्रदर्शनकारियों का काफिला जनसभा में तब्दील हो गया। देश भर में आज भी जो है तमाम लेफ्ट विंग्स और तमाम इस्लाम विंग्स की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट मार्च जो है वो आज कॉल किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट विंग्स हैं, लेफ्ट विंग है, कई एक्टिविस्ट हैं, वो यहाँ पर आज जंतर मंतर पर साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। शुक्रवार का दिन था और जामा मस्जिद पर एक बार फिर एनआरसी और सीएए के विरोधियों का जमावड़ा होना तय था, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए थे। दोपहर की नमाज के बाद सैकड़ों लोग मस्जिद से बाहर निकले और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर सब कुछ हुआ है और पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है। और यहाँ पे जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात की उनका ये कहना है कि विरोध होता रहेगा, प्रदर्शन होते रहेंगे, लेकिन शांति बनी रहेगी। जो सीए के अगेंस्ट में जो विरोध है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। अलका लांबा यहाँ पर आई महिलाओं के साथ और उनका ये कहना है कि रोज 6 बजे से 7 बजे शाम वो महिलाओं के साथ, तमाम कम्युनिटी की महिलाओं के साथ यहीं पर बैठेंगी जामा मस्जिद की गेट नंबर 1 पर। इस प्रदर्शन में चांदनी चौक के विधायक और कांग्रेस नेता अलका लांबा भी पहुंचे। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। स्थानीय लोग
तरह तरह से एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे। फादर लोग यहाँ बैठ रहे हैं, औरतें बैठ रही हैं यहाँ पर रात भर। जो प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है, विरोध हो रहा है लेकिन बिल्कुल शांति से शांत है। विरोध हो रहा है? बिल्कुल शांति है। अच्छा, विरोध हो रहा है लेकिन शांति पूर्वक हो रहा है विरोध? रात रात भर लोग बैठ रहे हैं? रात रात भर लोग बैठ रहे हैं। किसी तरह की पुरानी दिल्ली के अंदर कोई बात नहीं है। अमन ओमान का प्रोग्राम जो है पूरे हिंदुस्तान में जाए और मुस्लिमों से सबर से काम लें। और आप जो है लिखित में आगे आप बात करें और हाई कोर्ट से बात करें, सुप्रीम कोर्ट से बात करें। दिल्ली के शाहीन बाग में आज 20वें दिन भी महिलाओं का धरना जारी है। जामिया के गेट पर प्रदर्शन में छात्रों और चित्रकारों ने सड़क पर पेंटिंग्स बनाकर विरोध किया। जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने भी ऐलान किया कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। CAA और NRC के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सिलीगुड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी और उसके जरिए उन्होंने एक तरफ शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर पाकिस्तान के एम्बेसडर। वहीं आपको बताते चले, चेन्नई और बेंगलुरु से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हल्ला बोल है। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाजुलूस निकाला। इस जुलूस में हाथों में तिरंगा थामे हजारों की तादाद में टीएमसी के लोग शामिल हुए। ये महाजुलूस हिलकार्ट रोड से शुरू होकर बाघा जतीन पार्क तक पहुंचा। बाघा जतीन पार्क में ये पदयात्रा जनसभा में तब्दील हो गई। इस जनसभा को ममता बनर्जी ने हिंदी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। ममता ने पूछा कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर पाकिस्तान के एम्बेसडर? हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? आप हिंदुस्तान को बात करो, पाकिस्तान को बात मत करो। ममता बनर्जी के हमले से बीजेपी बौखला गई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कौन करता है, ममता बनर्जी खुद इमरान खान की भाषा बोलती है। दुर्भाग्य की बात है, ममता बनर्जी पाकिस्तान की आवाज से आवाज मिलाती है, इमरान खान का आवाज से आवाज मिलाती तब चिंता होती है। जैसा कि कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की जो डायलॉग है उसके साथ उनका डायलॉग मिलती है। यूएनओ का बात हम नहीं करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर के अलगाववादी नेता करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में चेन्नई में भी हजारों लोगों का हुजूम जुट गया। हाथों में तिरंगा लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हजारों महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। डीएमके नेता दयानिधि मारन की अगुवाई में जुटी इस भीड़ ने चेन्नई के इस मशहूर मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि पर बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। इन लोगों ने एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष एनआरसी और सीएए के विरोध को हवा दे रहा है तो बीजेपी इस आग पर पानी डालने की कोशिशें कर रही है। विपक्ष जान चुका है कि एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाया जा सकता है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो। विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये साफ कर दिया गया है, विपक्ष चाहे जितने भी कोशिश कर ले वो हर हाल में सीएए को देश भर में लागू करेंगे। बकायदा अमित शाह की ओर से एक नंबर भी जारी किया गया है जिसके जरिए उन्होंने देश से अपील की है कि आप सीएए के समर्थन में इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर कसा है तंज। देखिए, मैं देख रहा हूं आप बोर्ड ऊपर ऊपर कर बता रहे हैं कि इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है, आप डरिए मत,
ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं आने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि विपक्षी पार्टियां चाहे जितना विरोध कर लें, मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के अपने फैसले से टस से मस नहीं होगी। जोधपुर की रैली में अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीएए पर बहस की खुली चुनौती दे डाली। अरे सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूँ। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पड़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पड़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूँ। अमित शाह जोधपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने यहाँ से नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में देश भर से समर्थन मांगा। विपक्ष द्वारा जो गुमराह करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है, वो अभियान के सामने भारत माता के सारे सच्चे सपूत, सारे देशभक्त इस सीएए के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए जो जन जागरण अभियान है, इसके साथ जुड़े, इस मिस कॉल पर नंबर मिस कॉल करे और देश की जनता को लामबंद कर जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का परिचय दे। एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक विरोध प्रदर्शन की लहर चल रही है। अब बीजेपी ने इन विरोध प्रदर्शनों पर पलटवार करने का फैसला किया है। बीजेपी देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। नागरिकता संशोधन कानून को समर्थन देने के लिए बीजेपी ने देश की जनता से एक मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देने की अपील की है। ये मोबाइल नंबर है 8866288662। बीजेपी 5 जनवरी से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में घर घर संपर्क अभियान शुरू करेगी। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गाजियाबाद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। लखनऊ में इसकी कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगे। नागपुर में नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। बेंगलुरु में डीवी सदानंद गौड़ा रहेंगे, तो जयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। फरीदाबाद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नागरिकता संशोधन कानून समझाएंगे। रायपुर में थावरचंद गहलोत सीएए पर लोगों को जागरूक करेंगे। जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा को सीएए पर समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नागरिकता कानून पर सरकार का पक्ष रखेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर राज्य में इसे लागू नहीं करने का ऐलान किया है। इसी वजह से अमित शाह ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। और गहलोत साहब, हमने तो कुछ नहीं नया किया, आपके घोषणा पत्र के एक धारा को उठाकर उसका अमल कर दिया है और आप विरोध कर रहे हो। ये सब बाद में करिएगा, कोटा में जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं ना, इसकी एक बार चिंता कर लीजिए। माताओं की हाय लग रही है, माताओं का हाय लग रहा है। करीब 5.5 साल से देश में मोदी सरकार का शासन है। इस दौरान ऐसे कई फैसले हुए जिस पर विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। इस बार भी सरकार यही संकेत दे रही है कि वो नागरिकता संशोधन कानून लागू करके ही रहेगी। जन जागरण अभियान सरकार के उसी फैसले की एक अहम कड़ी है। जोधपुर में नवीन दत्त के साथ आज तक ब्यूरो। जनरल सुलेमानी की मौत के बाद ईरान से लगातार एक के बाद एक कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, और साफ साफ ईरान की ओर से कह दिया गया है कि वो अपने जनरल की मौत का बदला अमेरिका से जरूर लेगा और कतई ईरान इस पूरे मामले पर चुप नहीं बैठेगा। देखिए, दो और 3 जनवरी 2020 गुरुवार देर रात, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस सीरिया से गुरुवार रात ही बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके चाहने वाले एयरपोर्ट पर जमा थे और प्लेन के लैंड होते ही उन्हें विमान के पास लेने पहुंच गए, जहां दो एसयूवी कारें दोनों को लेने के लिए खड़ी हुई थी।
एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में अबू मेहदी अल मुहंदिस बैठ गए। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमेरिका का झंडा ट्वीट करके इशारा दे दिया, जिसके फौरन बाद अमेरिका ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी भी ले ली। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है। अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। सुलेमानी कई महीनों से इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। इसके अलावा बीते हफ्ते इराक में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले को भी उन्होंने अपनी मंजूरी दी थी। ईरान और इराक सरकार ने खुद भी इस मामले की पुष्टि के साथ साथ कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की मौत की बात स्वीकार तो की है, मगर साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के नाम एक संदेश भी जारी कर दिया। हम शहीद कासिम सुलेमानी का कड़ा इंतकाम लेंगे। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने अपने अपने बयान जारी करके ये साफ कर दिया कि अमेरिका ने कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर बारूद में चिंगारी लगा दी है और अब दुनिया ईरान का इंतकाम देखेगी। नतीजे के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका के इस जघन्य अपराध का बदला जरूर लेगा। ईरान में कासिम सुलेमानी की हैसियत क्या थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी मौत की खबर आने के फौरन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर ट्वीट की। इतना ही नहीं, सुलेमानी को ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर शख्स कहा जाता था। पिछले साल जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सुलेमानी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से नवाजा, तो सेना में उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा सबको हो गया था। 1979 में इस्लामिक गणराज्य ईरान की स्थापना के बाद पहली बार किसी कमांडर को यह सम्मान दिया गया। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मुल्क में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका के इस आपराधिक हमले को लेकर बदले की रणनीति तैयार कर रही हैं। वहीं अमेरिका किसी मुल्क की सेना के कमांडर पर किए गए अपने हमले को ये कहते हुए सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि जनरल सुलेमानी और उनकी कुद्स फोर्स सैकड़ों अमेरिकियों और गठबंधन सहयोगियों के सदस्यों की मौत और हजारों लोगों को घायल करने के लिए जिम्मेदार थे। जाहिर है गुरुवार रात अमेरिका ने जो हमला किया वो तारीख में दर्ज जरूर होगा, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये घटना मिडिल ईस्ट में भूचाल लाने वाली है। तेल की कीमतों में जो इजाफा आएगा सो आएगा, मगर इस बीच भीषण जंग का खतरा महसूस किया जा रहा है जो बहुत बड़ा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया, लेकिन अब इसके कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो अब कतई चुप नहीं बैठेगा। वैसे जानकारों का ये भी मांगना है कि दरअसल इसके साइड इफेक्ट अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं और कहीं अगले विश्व युद्ध की आहट भी इसी के साथ महसूस तो नहीं की जाने लगी है। वैसे आपको बताते चलें, जनरल कासिम सुलेमानी के मरने के बाद से ही एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें और सोने चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तरीके से उछाल देखा गया है। देखिए, फ्लोरिडा में अपने घर पर छुट्टियां मना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार आधी रात ये जो ट्वीट किया, इसमें ट्रंप ने एक शब्द भी नहीं लिखा, बस अमेरिका के झंडे को पोस्ट भर कर दिया। दरअसल ट्रंप के इस ट्वीट की क्रोनोलॉजी इराक के बगदाद में अमेरिकी सेना के उस एयर स्ट्राइक से जुड़ी थी, जिसमें उसने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला।
ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशों में काम करने वाली यूनिट कुद्स फोर्स का जिम्मा संभालने वाले कासिम को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखता था। बताते हैं कि पिछले चार दशकों से सुलेमानी अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए थे, क्योंकि ईरान पर हमले की कई अमेरिकी कोशिशों को उन्होंने नाकाम कर दिया। ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख होने के साथ साथ जनरल कासिम सुलेमानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के बेहद खास। आपको बता दें कि ईरान की सबसे एलीट फोर्स यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे आयतुल्ला अली खामेनी को ही रिपोर्ट करती है, और ऐसे में उस फोर्स के जनरल को मार देना मिडिल ईस्ट में एक और खूनी जंग की दस्तक है। ये कासिम ही थे जो ईरान के लिए पश्चिमी एशिया में किसी भी मिशन को अंजाम देते थे। यकीनन उनकी मौत से एक मुल्क के तौर पर ईरान पूरी तरह जख्मी था। जानकार मान रहे हैं कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ईरान अमेरिका से हमले का बदला न ले, और सीधे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जिस विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, अगर वक्त रहते दुनिया सामने नहीं आई तो वो छिड़ सकती है। और यकीनन ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसका असर कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई पर भी पड़ेगा। तनाव के चलते खाड़ी देशों में होने वाला तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। साफ है दुनिया के जो देश खाड़ी देशों से तेल का आयात करते हैं उनकी हालत पतली भी हो सकती है। कम उत्पादन होने पर तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसके असर से भारत का भी बचना मुश्किल है। अमेरिका के इस हमले के बाद 3 जनवरी को फौरन कच्चे तेल की कीमत में $3 प्रति बैरल का उछाल आ गया। सिर्फ तेल की कीमतों में ही उछाल आया हो ऐसी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका से बदले की आग में जल रहा ईरान के अलावा इराक में भी जनरल सुलेमानी की मौत के बाद गुस्सा दिख रहा है। इराक की सेना ने भी इस हमले की न सिर्फ निंदा की है बल्कि सेना को तैयार रहने को भी कह दिया है। आपको बता दें कि सुलेमानी ने सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के कहने पर ISIS से निपटने के लिए इराक सरकार की आतंकियों से रणनीतिक तौर पर लड़ने में भी अहम भूमिका निभाई थी। बगदाद को इस्लामिक स्टेट के आतंक से बचाने के लिए उनके ही नेतृत्व में ईरान समर्थक फोर्स का गठन हुआ था, जिसका नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स था। सुलेमानी अमेरिका के कितने पुराने दुश्मन थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच खूनी जंग में उनकी अहम भूमिका थी। इस युद्ध में अमेरिका ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। इस युद्ध में तो सुलेमानी किसी हीरो की तरह उभर कर सामने आए थे। सुलेमानी सीरियाई संघर्ष में राष्ट्रपति बशर अल असद के सलाहकार के रूप में भी देखे जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यमन से लेकर इराक और दूसरे मुल्कों तक रिश्तों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था, ताकि इन देशों में ईरान का असर बढ़ाया जा सके। जाहिर है उनकी मौत से मिडिल ईस्ट एक बार फिर बुरी तरह से अस्थिर होता दिखाई दे रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका ऐसा भी कदम उठा सकता है जो विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर। जनरल सुलेमानी और अमेरिका के बीच दुश्मनी तो 40 बरस पुरानी है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, अमेरिका इसलिए जनरल सुलेमानी से नफरत करने लगा था क्योंकि जनरल की ओर से बकायदा एक ऐसी फोर्स बनाई गई थी जो ईरान में किसी भी विदेशी को घुसने नहीं दे, और इसी वजह से अमेरिका ने तय करके रखा हुआ था कि वो जनरल सुलेमानी से बदला जरूर लेगा। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जिस कुछ फोर्स के कमांडर थे वो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी यूनिट का हिस्सा है, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की सबसे एलीट सेना है, जिसका मकसद देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सत्ता का संतुलन बनाना है। ईरान में अमेरिकी समर्थक शाह पहलवी के पतन के बाद ईरान में नई हुकूमत आई तो सरकार को लगा कि उन्हें एक ऐसी फौज की जरूरत है जो नए निजाम और क्रांति के मकसद की हिफाजत कर सके, और इसीलिए साल 1979 की ईरानी क्रांति के बाद उस वक्त के ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी के आदेश से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का गठन हुआ, जो मुल्क के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर को सीधे रिपोर्ट करती है। ईरान की इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पेशल आर्मी है कुद्स फोर्स, जो विदेशी मिशन को अंजाम देती है। भले ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में सैनिकों की संख्या नियमित सेना के सैनिकों की संख्या के मामले में करीब 3 लाख कम है, लेकिन इसे ईरान की सबसे ताकतवर फौज के रूप में जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर में ईरान के दूतावासों में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवान
खुफिया कामों के लिए तैनात किए जाते हैं। जनरल सुलेमानी इसी कुद्स फोर्स के कमांडर थे और उन्हें ईरान के एक बड़े सैन्य कर्मी और उभरते हुए नेता के तौर पर देखा जाता था। अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। सुलेमानी 1979 में ईरान की सेना में शामिल हुए और महज 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पश्चिम अजरबैजान के एक संघर्ष में कूद पड़े। इराक ईरान युद्ध हो या इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करना हो, सुलेमानी ने हमेशा ईरानी नीतियों का साथ दिया और शायद इसीलिए अमेरिका सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता था। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को तो 2019 में बैन किया, जबकि कुद्स फोर्स को तो उसने 2007 में ही आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।